रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले दिनों सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। जहां अब तक रूसी सेना यूक्रेन में घुसकर हमला कर रही थी, मगर बीते 6 अगस्त को यूक्रेन ने पहली बार रूसी सीमा में घुसपैठ की। यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर उसके इलाके कुरस्क में जमकर तबाही मचाई। यूक्रेन के शीर्ष जनरल ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने 100 बस्तियों और लगभग 600 सैनिकों पर कब्जा जमाया है। दावा है कि रूसी सैनिक इलाके में जवाबी हमला करने और यूक्रेनी सेना को घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन प्रयासों को विफल कर दिया गया। बता दें कि कुरस्क रूस के लिए कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये इलाका रूस के लिए काफी मायने रखता है। ये वह जगह है जहां पर रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी जीत दर्ज की थी। कुरस्क एक तरह से रूस का विक्ट्री पॉइंट माना जाता है। हालांकि रूस के कुरस्क पर धावा बोलकर यूक्रेन ने मौजूदा युद्ध की आग को भड़का दिया है। खुद रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के इस कदम को उकसावे भरा बताया था, साथ ही यूक्रेन को इसका नतीजा भुगतने के लिए भी चेताया था। रूस यही नहीं रुका, बीते दिनों लगातार 2 दिन यूक्रेनी राजधानी कीव और उसके करीब 12 शहरों में धमाके कर अपना बदला चुकता किया है। माना जा रहा है कि रूसी सेना अभी भी प्रतिशोध की आग में जल रही है। यूक्रेन पर आने वाले दिनों में भीषण हमले की आशंका है। इस बीच अमेरिका की नागरिक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया है। खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में डेविड कोहेन ने बताया कि रूस के कुरस्क पर यूक्रेन की सीमा पार से घुसपैठ कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन कुछ समय के लिए उस इलाके के कुछ हिस्से को अपने पास रखने का इरादा रखता है। यूक्रेन के हमले में आगे बढ़ने वाले संघर्ष की गतिशीलता को बदलने की क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस उस इलाके को फिर से हासिल करने की कोशिश करने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि ये रूसियों के लिए कठिन लड़ाई होगी। अभी इसमें शुरुआती दिन है, इसलिए हमें देखना होगा कि यहाँ सब कैसे होता है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रूस के हाथों से हालात बेकाबू होते दिखे हैं। दावा है कि यूक्रेनी सेना की कुरस्क ऑपरेशन की प्लानिंग टॉप सीक्रेट थी, जिसकी रूसी सैनिकों को बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई थी। बताया जाता है कि रूस कुरस्क पर भीषण हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दावा तो ये भी है कि यूक्रेन ने अमेरिका के हाई क्वालिटी वाले ग्लाइड बम्बों का इस्तेमाल कर कुरस्क पर कब्जा जमाया, जिसके चलते रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही अपने इलाके से भी नियंत्रण गंवाना पड़ा। वहीं यूक्रेनी हमले से तिल मिलाए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि घुसपैठ और उससे रूसी नागरिकों को हुए नुकसान ने यूक्रेन के साथ बातचीत को असंभव बना दिया है। वहीं पहली बार रूस को पटखनी देने वाला यूक्रेन कुरस्क हमले के बाद से मजबूत स्थिति में आ गया है। इसके चलते यूक्रेनी राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज में भी खासा बदलाव देखने को मिला है। यूक्रेनी हमले की पुष्टि करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के साथ अंतिम शांति वार्ता के दौरान एक मजबूत स्थिति हासिल करने के लिए रूसी इलाकों पर कब्जा करना जरूरी था। इसमें रूसी जनता को यूक्रेनी शर्तों को स्वीकार करने के लिए डराकर मॉस्को पर दबाव बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया। ऐसा दावा है कि पश्चिमी देशों के दबाव के चलते जेलेंस्की ने कुछ हद तक नरमी बरती। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बफर जोन बनाने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि घोषित किया।